निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। दूसरा, वलयाकार सूर्य ग्रहण अर्थात एनुलर एक्लिप्स तब होता है जब सूर्य का कोणीय व्यास चंद्रमा के कोणीय व्यास से छोटा होता है। अब आप बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए बी सी या डी सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सूर्य ग्रहण तब होता है वलयाकार जब सूर्य का कोणीय व्यास चंद्रमा के कोणीय व्यास से छोटा होता है। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ सही स्टेटमेंट क्या होगा। पहले तो ये देखते हैं इस प्रश्न की ये बनाया क्यों गया। ये देखिए, ये 16 जून PIB की खबर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, दिनांक 21 जून 2020 को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के हिस्सों में एक संकीर्ण गलियारे में प्रातःकाल नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए जो मैं बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस दो लाइन को पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन तब होता है जब चंद्रमा मतलब जो मून है वो अर्थ के और सन के बीच में आ जाएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है और ये तीनों एक सीध में होते हैं। और वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होगा, ध्यान से पढ़ना इसको, जब चंद्रमा का कोणीय व्यास सूर्य के कोणीय व्यास से अपेक्षा छोटा होता है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट मैंने इसे जस्ट उल्टा लिखा था, इसलिए वो रॉन्ग हुआ। जिसके चलते क्या होगा, चंद्रमा सूर्य को पूर्णतया नहीं ढक पाएगा और फलते चंद्रमा के चारों ओर चतुर्दिक सूर्य चक्रिका का छल्ला दिखाई देता है, ठीक है, जिसको एनुलर एक्लिप्स बोला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा इसको फिगर के जरिए देख लेते हैं। ये देखिए, सोलर एक्लिप्स के 3 प्रकार होते हैं, पार्शियल मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण, फिर ये वलयाकार सूर्य ग्रहण हो गया और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। तो अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया था इस एनुलर एक्लिप्स के ऊपर बनाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अब आगे, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है नंबर 2, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 से 2018 के बीच भारत का औसत तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार यदि उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तब वर्ष 2070 से 2099 के बीच भारत का औसत तापमान लगभग वर्ष 1976 से 2005 की तुलना में 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन रिपोर्ट के बारे में सही है, ए बी सी या डी। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि वर्ष 1901 से 2018 के बीच भारत का जो औसत तापमान, इसमें लिखा है 1.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कितना बढ़ा है, 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए, आज के द हिंदू की एक न्यूज़ है, ये क्लाइमेट रिपोर्ट प्रिडिक्स हॉटर रेनियर डेज, मतलब एक क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन है, और उसमें ये ऐसी प्रिडिक्शन की गई है कि जो आने वाले दिन क्या होंगे, और ज़्यादा गर्म होंगे और रेनियर होंगे, मतलब ज़्यादा वर्षा वाले दिन होंगे। और जो ये मॉडल डेवलप किया है IITM पुणे, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे में है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है ये, उसने इसको जारी किया है और बोला है कि जो हीट वेव्स है, मतलब जो गर्म हवाएं है, वो भी 3 से 4 गुना ज़्यादा चलेगी आने वाले दिनों में, इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये देखते हैं, देखो पहली दो, ये इन रिपोर्ट को देखते हैं, ये 2 पैराग्राफ इस रिपोर्ट के, उसके बाद मैंने इस पूरी रिपोर्ट को नेक्स्ट स्लाइड में लगाया है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, ये इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल फोरकास्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सब कॉन्टिनेंट इन द कमिंग सेंचुरी।
जो ये रिपोर्ट है इंडिया का अभी तक की इस प्रकार की पहली भविष्यवाणी या फोरकास्ट रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि इस आने वाली सेंचुरी में मतलब 21वीं शताब्दी में ग्लोबल वार्मिंग का इंडिया पे और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जिसमें बोला गया एक्सपेक्ट्स एनुअल रेनफॉल टू इंक्रीज, मतलब इसमें जो फोरकास्ट किया गया है यह आशा व्यक्त की गई है कि जो एनुअल फोरकास्ट जो रेनफॉल है वो बढ़ेगा अलोंग विद मोर सीवियर साइक्लोन्स, और ज़्यादा गहन चक्रवात आएंगे जैसे अभी आपने नाम सुने थे, ठीक है। उसके बाद जो मोर ड्रॉट्स, मतलब आप एक देखिए बारिश भी ज़्यादा होगी, चक्रवात भी ज़्यादा आएंगे और ड्रॉट्स भी होंगे, मतलब कुछ क्षेत्रों में बारिश बहुत ज़्यादा होगी लेकिन कुछ क्षेत्र क्या हुए सूखा पीड़ित भी होंगे, ये सारी बात कही गई है। और ये भी बोला गया कि जो ये प्रोजेक्शन इस रिपोर्ट में बताई गई है, ऑन ए क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM ने जो ये फोरकास्ट और ये मॉडल डेवलप किया है इसको और इस रिपोर्ट को विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट रिपोर्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब IPCC की जो वर्ष 2022 में जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में इस असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन रिपोर्ट को एक हिस्सा बनाया जाएगा उस रिपोर्ट का, मतलब इसके कुछ जो स्टडीज़ है फोरकास्ट है उनको उसमें यूज़ किया जाएगा IPCC की रिपोर्ट में। बाकी पूरी खबर क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे आसान भाषा में मैंने लगाई आपके लिए, ये देखिए रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, प्रिपेयर्ड किसने की है बाय एक्सपर्ट्स एट द पुणे बेस्ड, पुणे आधारित है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा। उसके बाद देखिए इंडियाज एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन बाय अराउंड 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, इसने बोला है कि 1901 से लेकर 2018 के बीच में भारत का जो टेम्परेचर है औसत वार्षिक जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ गया है 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। उसके बाद देखा उसने लिखा कि अगर जब तक हमने बहुत अच्छे स्टेप्स उपयुक्त कदम नहीं उठाए तब क्या होगा, तब 2070 से 2099 के बीच जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंडिया का वो कितना बढ़ जाएगा 4.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी तुलना में 1976 से अगर 2005 के बीच में जो इंडिया का एवरेज टेम्परेचर था उसकी तुलना में 2070 से 2099 के बीच 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। फिर देखो क्या लिखा है कि हालांकि जो सभी कंट्रीज़ ने जिसमें इंडिया भी शामिल है 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ उन्होंने अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी, भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी वहाँ पे, तो उसके बावजूद भी जो करंट एमिशंस है मतलब वर्तमान में जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का उसके चलते वर्ल्ड टू द वर्स्ट केस सिनेरियो, पूरी दुनिया एक बहुत ही भयानक जो सिचुएशन में पहुँच जाएगी, मतलब वो जो स्टेप उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे, कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है ये। उसके बाद इन्होंने बोला जो हीट वेव्स चलती है अप्रैल से जून के बीच में भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में इज़ प्रोजेक्टेड टू बी 3 to 4 टाइम्स हायर बाय द एंड ऑफ 21st century, मतलब इस जो सदी है हमारी 21वीं सदी इसके अंत तक जो हीट वेव्स की उनकी भी जो फ्रिक्वेंसी बारम्बारता 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद देखो इन्होंने हिंदू का हिमालय के बारे में क्या बोला है, एक्सपीरियंस ए टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट 1.3 डिग्री बिटवीन 1951 से 2014 के बीच में, वहाँ पे भी जो टेम्परेचर कितना बढ़ गया है 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसके चलते क्या होगा, देखो अगर माउंटेन एरिया में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ से ग्लेशियर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स विल मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी एक नई जो विपत्ति की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये कुल मिला के रिपोर्ट थी, मैंने आपको बता दी, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रैंकिंग आर्थिक प्रदर्शन अर्थात इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सरकारी एवं व्यावसायिक दक्षता अर्थात गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड बिजनेस एफिशिएंसी तथा अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर जारी की जाती है। दूसरा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा भारत का स्थान 43वां है। अब आप बताइए WCR 2019 के बारे में ABCD सही उत्तर क्या है, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए।
मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये चार पैरामीटर के आधार पर जारी की जा रही है, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और अवसंरचना। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट रैंक है स्टूडेंट्स वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं है 2019 में, वो सिंगापुर की है। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ वो सेकंड स्टेटमेंट। और जो सेकंड हाफ स्टेटमेंट है कि भारत का स्थान 43rd है, बिल्कुल सही है ये। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए, आप देख सकते हैं कल ही जारी की गई है रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 के रिजल्ट है ये। ओके, इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, ये इसको जारी करता है। ऊपर ही लिखा है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है ये, इसी ने कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 को जारी किया है। ये पूरी रिपोर्ट क्या है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके जो एक क्राइटेरिया है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट एफिशिएंसी, दूसरा क्राइटेरिया बिजनेस एफिशिएंसी, तीसरा और इंफ्रास्ट्रक्चर चौथा। और इनके अंदर सब क्राइटेरिया है, जैसे इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्राइसेस हो गया, इसी तरह से ये सब इसके अंदर डिवीज़न किए गए हैं। तो मोटे मोटे इसके चार, 1, 2, 3, 4। ओके, देखो यहाँ से इस तरह की रिपोर्ट स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इस तरह की रिपोर्ट पढ़ते हो तो आप इसको यूज़ कैसे करोगे। देखो मेंस में अगर मैं कहूँ आपको कुछ भी, सपोज़ करो आप इंटरनेशनल लेवल पे आप ये देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कौन कौन से इश्यूज़ है जिन पर हमें काम करना होगा, तब वहाँ मोटा मोटा अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा तो आप इस तरह की रिपोर्ट से ये आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो हमें इतने पैरामीटर पे काम करना होगा। उस पर आप सीधा लिख सकते हो, हमें अपनी आर्थिक दक्षता बढ़ानी होगी, उसके बाद सरकारी दक्षता बढ़ानी होगी, और उसके साथ बिजनेस जो क्या है व्यावसायिक दक्षता बढ़ानी होगी, और अवसंरचना पे हमें फोकस करना होगा। और बाद जैसे अवसंरचना आएगी तो आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर सकते हो, बिजनेस एफिशिएंसी की बात आ जाएगी तो फिर आप बोल सकते हो कितना बिजनेस एफिशिएंट है वहाँ पे, आप फाइनेंस कितना अवेलेबल है, हमने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या बड़े बिजनेस हाउसेज को किस तरह से हम लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं, लेबर मार्केट रिफॉर्म क्या है, इस तरह से आपको एक पूरा स्नैरियो और पूरा आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इससे क्या मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। इसलिए सिर्फ ये रटने के लिए नहीं है, यहाँ से इन कुछ कुछ पॉइंट्स को निकालते रहना, जैसे चारों क्राइटेरिया इनके अंदर सब क्राइटेरिया है, वहाँ से देखो UPSC में कितना 200 शब्द का लिखना है या 250 शब्द का लिखना है, ईजिली आप उसको उस सिचुएशन में होंगे कि वहाँ पे आप हैंडल कर पाओगे क्वेश्चंस को। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा, बाकी तो जब मेंस की क्लासेस चलेगी तभी काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी इन मुद्दों पर। अब ये देखिए IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो ये हमारा रैंकिंग है 2019 और 2018, इसमें 18 से 19 की तुलना भी की गई है। पहली रैंक पे देख सकते हैं 19 में कौन है, सिंगापुर, दूसरी पे हांगकांग और थर्ड है USA, जबकि 2018 में सिंगापुर थर्ड रैंक पे था, हांगकांग सेकंड पे ही था, लेकिन USA फर्स्ट रैंक पे था। तो USA दो स्थान नीचे आया है और सिंगापुर दो स्थान ऊपर गया है, ठीक, बाकी हांगकांग की रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं हमारा भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये देखिए इंडिया की जो रैंक है यहाँ पे 43, ये 2019 में 43 है लेकिन 2018 में हमारी थी 44, यानी कि एक स्थान हमारा इम्प्रूव हुआ है। ओके, अगर बात की जाए ब्रिक्स कंट्रीज़ में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो उसमें चाइना की स्थिति है स्टूडेंट ब्रिक्स कंट्रीज़ में। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रतिवर्ष किस तिथि पर मनाया जाता है, 15 जून, 16 जून, 17 जून और 18 जून, बताइए ABC या D, सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब हर साल ये 17 जून के दिन मनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, और इस साल का जो थीम है 2020 का जो थीम है वो मैं लिख देता हूँ, UPSC तो नहीं पूछेगा लेकिन स्टेट सर्विसेज में पूछे जा सकते हैं इस तरह की चीज़ें। इसका थीम है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ठीक है, ये 2020 का थीम है, और जो उसके साथ साथ अगर आपको याद हो UN कन्वेंशन भी बताई थी मैंने कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और उस पर मैंने बोला भी था इस बार प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो कन्वेंशन, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स उठाए थे वर्ल्ड लेवल पे, क्या क्या कमिटमेंट है, ऑलरेडी इस सीरीज़ में हम पहले उनको कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए 16 जून की खबर है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020। इसकी हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सेलिब्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ इसमें चर्चा की गई है। ओके, तो हमने देख लिया 17 जून के दिन ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं अब, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अर्थात विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में वैश्विक ग्लोबल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% की वृद्धि होगी। सेकंड है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 42 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 51 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। अब आप बताइए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR भी बोला जाता है जिसको, 2020 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ABCD सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट में क्या बोला, वैसे ही 2020 में इन्होंने बोला FDI 40% बढ़ेगा, जबकि आप जानते हैं पेंडेमिक की सिचुएशन है, लॉजिकली अगर रॉन्ग होगा ऐसे में जो जो FDI है वो घटेगा, इसलिए 40% की वृद्धि नहीं होगी बल्कि इसमें रिपोर्ट में बोला गया है 40% की कमी होगी। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 2018 में जो इंडिया का 42 बिलियन यूएस डॉलर था FDI, वो 2019 में 51 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, देखते हैं। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD जारी करता है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट मैंने यहीं से इस रिपोर्ट से लिए हैं। आप देख सकते हैं पहला जो पैराग्राफ है इसमें लिखा है, जो वैश्विक रूप से जो FDI है और उसके जो फोरकास्ट है कि वो बोला जा रहा है कि 2020 में 40% तक घट जाएंगे, जो कि 2019 की जो वैल्यू है उसके तुलना में। ठीक है, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बोली है 2020 में। अब ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें और क्या बोला गया है इस रिपोर्ट में। ये देखिए इस ग्राफ को देखिए, इस रिपोर्ट ने बोला है कि 2005 की तुलना में, देखो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ईयर दिखाए गए नीचे 2015, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, उसके साथ साथ इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इसमें दिखाए गए है 2.0 ट्रिलियन डॉलर, 1.5 ट्रिलियन डॉलर और 1.1 ट्रिलियन डॉलर। तो आप ये देखिए, इस रिपोर्ट ने बोला है कि 2015 के बाद, ठीक है आप ये देख सकते हैं 2015, उसके बाद इसको देखिए ये गिरा है यहाँ पे 2019 में, कितना बोला जा रहा है कि ये 1.0 मतलब 40% की इसमें गिरावट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से 19 के तुलना में ये 20 में आएगा तो 40% ये गिरावट है, और उसके बाद 21 की ओर फिर ये गिरेगा और उस जो वापस से जो रिकवरी होगी वो 2022 में जाके होगी FDI में। ये बात की है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 की बात है, जो वैश्विक FDI इनफ्लो को ये दिखा रहा है ये ग्राफ। ओके, इस तरह के ग्राफ्स आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो, मेंस में भी अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं मिले स्कोप, बहुत कम स्कोप होता है वैसे इस तरह की चीज़ों को ड्रॉ करने का, लेकिन अगर कभी भी मिले तो इन पर बहुत चौकन्नी निगाहें रखनी है आपको। कहीं पे भी अच्छा सा डायग्राम अगर ड्रॉ करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। चले फिर आगे, अगला प्रश्न है BEC जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में है। अब आपको बताना है, ए उत्तर कोरिया द्वारा विकसित की गई नई बैलिस्टिक मिसाइल, बी उत्पादों एवं सेवाओं के आपसी लेन देन की आसियान देशों की एक पहल, सी COVID-19 के इलाज की एक नवीन कम लागत वाली एक परंपरागत दवा, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है ABC या डी, BEC के बारे में सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये फिर BEC है क्या। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बताते हैं BEC क्या है। ये देखिए 16 जून की खबर है, साइंटिस्ट मेड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की पांचवी अवस्था को निर्मित किया है स्पेस में। ठीक है, और उस पांचवी अवस्था का नाम है BEC। ठीक है, और इस BEC की फुल फॉर्म क्या है, बॉस आइंस्टीन
कंडेंसेट, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, ये पांचवी अवस्था है। और पहली चार अवस्था आपको पता है क्या है, जो मैटर की कौन सी है, ये तो हो गई फिफ्थ, और जो फोर है कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और पांचवी कौन सी हो गई, बीईसी। ठीक है, कहाँ पे बनाई है साइंटिस्ट ने, स्पेस में बनाई है, नासा ने मिलके, ठीक है, नासा के साइंटिस्ट ने किसके साथ कोलैबोरेट किया, विद एस्ट्रोनॉट्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ मिलकर इस पांचवी अवस्था को बनाया है, तो याद रखेंगे बीईसी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, बेपी कोलंबो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह यूरोप का बुध ग्रह के लिए प्रथम मिशन है। दूसरा, यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी एवं जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन का संयुक्त मिशन है। अब आप बताइए बेपी कोलंबो के बारे में ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या है, और इसको पीटी के लिए इम्पोर्टेंट रखेंगे इस बार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ये पहली बात तो यूरोप का मरकरी प्लेनेट के लिए पहला ये मिशन है, और उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन का ये जॉइंट मिशन है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए 17 जून 2020, मतलब आज की खबर है, आप देख सकते हैं बेपी कोलंबो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इतना लिखा हुआ है ये बेपी कोलंबो के बारे में, बेपी कोलंबो इज यूरोप्स फर्स्ट मिशन टू मरकरी, यूरोप का मरकरी के लिए पहला मिशन है, पहला स्टेटमेंट यहीं से बनाया मैंने। फिर देखिए इसको लॉन्च कब किया गया था, 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। 7 साल का एक मिशन है, जो एक छोटे से और लीस्ट एक्सप्लोर्ड जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है, और सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। 7 साल का एक मिशन होगा, 2018 में लॉन्च किया गया था, यानी कि 2025 में ये कहाँ पहुँचेगा, मरकरी पे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस मिशन के अंदर दो स्पेस क्राफ्ट होंगे, पहला होगा मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर और दूसरा होगा मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर MIO। और ये इसके बाद देखिए बेपी कोलंबो इज ए जॉइंट मिशन है, किसके बीच में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको जैक्सा भी बोला जाता है। ठीक है, और किसकी लीडरशिप में, ESA की लीडरशिप में ही ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की लीडरशिप में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्टूडेंट, कि अभी कई बार UPSC पूछ लेता है कि मरकरी पे क्या अभी तक कोई मिशन भेजा गया है, तो जी हाँ अभी तक 2 मिशन भेजे गए हैं। ठीक है, और 2 स्पेस क्राफ्ट गए हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, 2 स्पेस क्राफ्ट गए हैं मरकरी पे, और वो दोनों नासा ने ही भेजे हैं। पहले का नाम है Mariner 10, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, लिखना इसको, और दूसरा है मैसेंजर, ये दोनों नासा के ही मिशन थे। ओके, और अब क्या है, ये बेपी कोलंबो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, IAEA एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वार्षिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा को, अर्थात UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है। दूसरा, इसका सचिवालय वियना में है और भारत इसका सदस्य नहीं है। अब आप बताइए IAEA के बारे में ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या है, क्या होगा सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअली UNGA को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और सर्टेन कंडीशन में UNSC को भी ये क्या करेगा, रिपोर्ट करता है। उसके बाद जो उसका सचिवालय है वियना में है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड जो हाफ स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट का कि भारत इसका सदस्य नहीं है, गलत है, भारत इसका एक मेंबर है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। आप देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए द हिंदू की खबर है, IAEA बिगिंस मीट ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान के, उसके ऊपर मीटिंग शुरू की है। एक्चुअली बेसिकली अभी क्या हुआ है कि जो UN का ये वॉचडॉग एजेंसी है IAEA, और इसने ईरान के दो साइट्स को लेकर इनको थोड़ा मतलब
डाउट है कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही है न्यूक्लियर, और ईरान ने रिफ्यूज़ किया है उन साइट्स तक आईएईए को एक्सेस करने से, उनको रोका है, जिसके चलते आईएईए ये चर्चा में आया है। ठीक है, तो आईएईए है क्या? ठीक है, इसका सचिवालय मैंने बता दिया वियना में है, 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और भारत इसका मेंबर है। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कितने मेंबर स्टेट है इसके सदस्य। ठीक है, चले अब आगे। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है 17 जून। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा DUQM बंदरगाह निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? ईरान, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात। जो भी जवाब होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और प्रश्न में क्या था? एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 1983 में हुई और 2012 में पूर्ण हुआ। बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने लिखा है 2008 में पूर्ण हुआ है, लेकिन अगर आप विकिपीडिया के अलावा कोई भी और सोर्स पे मूव करोगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट ये 2012 में ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इस पे डाउट मत रखना, 83 में शुरू हुआ और 2012 में पूर्ण हुआ। बहुत बच्चों ने 2008 लिखा है, लेकिन आप उसको करेक्ट कर लेना। फिर देखिए, अग्नि मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? नहीं, ये सतह से हवा में नहीं, ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है ये, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। थर्ड क्या है? पृथ्वी 1, 2 और 3 जो क्रम से, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना के संस्करण है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हुआ, तो सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, इसके तहत हमने जो 5 मिसाइल डेवलप की है, जिनको याद रखने का कोड है पटना, PATNA, याद रखना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए, कल के द हिंदू की एक खबर थी, इंडिया चाइना न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर जो हथियार है और उनका जो पूरा जखीरा है बढ़ रहा है इंडिया चाइना और आसपास की कंट्रीज़ द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं, सिप्री ने अभी जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, SIPRI, इसने क्या बोला है कि जो ऑल नेशंस हैव न्यूक्लियर वेपन्स कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज, जो जितने भी देश है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको जो क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जिसमें बोला है कि इंडिया एंड चाइना इन द इंक्रीज देयर न्यूक्लियर वॉर हेड्स इन द लास्ट 1 ईयर, और इंडिया ने भी और चाइना ने भी अपने न्यूक्लियर वॉर हेड को बढ़ाया है पिछले एक साल में। ये सिप्री की रिपोर्ट है। उसके बाद इसने बोला यहाँ पे क्या स्थिति दिखाई है, यहाँ पे चाइना की स्थिति दिखाई है न्यूक्लियर उसको लेके, फिर यहाँ पाकिस्तान की बात की है, चाइना पाकिस्तान और पूरी दुनिया में किस किस तरह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, चाइना की बात हुई, फिर पाकिस्तान की बात हुई। ठीक है, उसके बाद इसमें ट्रांसपेरेंसी का लेके क्या स्तर है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, वो बात की गई है इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात की इसने, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। उसके बाद इसने यहाँ INF जो ट्रीटी है उसकी बात की है, उसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, INF ट्रीटी। तो यहाँ से कुछ फैक्ट्स निकलेंगे, आप निकाल लेना किसके पास कितने वेपन्स हैं न्यूक्लियर। ठीक है, और ये सिप्री का नाम याद रखेंगे, स्टॉकहोम जो इंस्टीट्यूट है, पीस पूरा नाम है इसका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके स्टूडेंट्स, निर्माण आई इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।